प्रदेश में कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ने पर शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, लेकिन हमीरपुर में आईटीआई शिक्षण संस्थान के खुलने के साथ साथ दर्जनों आईटीआई प्रशिक्षुओं के पहुंचने पर गेट पर ही वापस लौटाया गया है। वहीं आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर के प्रिंसिपल ने संस्थान में छात्रों के आने पर देरी से सूचना मिलने का हवाला दिया है, तो शिक्षा उपनिदेशक सेकेंडरी के अनुसार जिला में कोरोना के मामले बहुत बढ़ रहे हैं और हमीरपुर जिला में ही 40 मामले स्कूलों में आए हैं। विभाग के पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाई है, जिसके चलते कुछ अध्यापक स्कूलों में पहुंचे थे। आईटीआई हमीरपुर के प्रिंसिपल अजय गुलेरिया ने बताया कि आईटीआई संस्थानों में कोई भी नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं आई है। उन्होंने बताया कि कई दर्जन छात्रों को छुट्टी होने की सूचना नहीं होने से संस्थान में बच्चे पहुंच गए थे, जिन्हें गेट से ही बाहर भेज दिया गया था। कुछ बच्चों को इंटीमेशन नहीं पहुंची थी, 15 के बच्चे थे, तो जैसे वो गेट के पास आए हमने उनको गेट से ही वापस कर दिया। यहाँ से संस्थान बंद है, 25 तक बंद रहेंगे, सरकार के आदेश हैं, क्योंकि उन बच्चों को तक इंटीमेशन पहुंची नहीं थी। तो जैसे ही हमें पता चला सुबह आकर के प्रशासन को, आईटीआई के प्रशासन को, हमने उनको गेट से ही वापस कर दिया। वहीं शिक्षा उपनिदेशक सेकेंडरी दिलवरजीत चंद्र ने बताया कि हमीरपुर जिला में स्कूलों में 40 के करीब कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिला के कुछ स्कूलों के अध्यापक भी स्कूल पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वापस लौटा दिया गया था। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर तक संस्थानों को पूर्णतया बंद रखा जाएगा। ऐसा है, कल कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ है, नंबर ऑफ केसेस जो कोविड पॉजिटिव के हैं, जैसे हमारे जिला हमीरपुर की ही बात करें तो लगभग हमारे स्कूलों में 40 जो टीचर हैं इस वक्त तक का जो अपडेट है वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और ये सारे जिलों से जो रिपोर्ट सरकार के पास जा रही थी उसके मद्देनज़र ही सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, ताकि बच्चे भी उससे ज़्यादा संक्रमित ना हों। तो अभी तक हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो आगे फर्दर नोटिफिकेशन आनी है वो अभी हमारे पास नहीं पहुंची है, तो हो सकता है कि उस वजह से कुछ जो टीचर हैं हमारे स्कूलों में आगे हों, पर मैंने बर्बली उनको आदेश दिए हैं कि सरकार ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये सरकार अभी डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर आएगा, हम 11:30 बजे तक उसको सर्कुलेट कर देंगे। एक्चुअली एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसको डील करती है, तो हो सकता है कि उनका भी ऐसे हो जब तक वो आदेश नहीं आए हैं, या ये प्रोसेस अभी चला ही था, तो आज के बाद हो सकता है वो भी क्लोज हो जाएंगे।